अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आज का जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपनी दोपहर की रूटीन पे कि मैं दोपहर को क्या करती हूँ। अभी मुझे कल इंस्टा पे भी आया मैसेज और यूट्यूब पे भी किसी ने मुझसे कहा था आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन जो है ना वो शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। तो बल्कि उन्होंने पूछा था कि भी आप कब बताएंगे, हमें ज़रूर बताना। तो मैं जब भी बनाऊंगी मैं एक दिन पहले अपने ब्लॉग में ना उसको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और बाकी आज मैं दोपहर को क्या कर रही हूँ मैं दिखा रही हूँ अपनी कुकिंग, क्योंकि हेल्पर की वजह से मुझे काफ़ी अब ज़रा वो आसानी हो गई है, क्योंकि वो अपना काम कर जाती है, बाद में मेरे ऊपर जो होता है ना वो कुकिंग का होता है या घर का जो भी मैंने थोड़ा बहुत समेटना होता है वो होता है। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मैं दोपहर को क्या बना रही हूँ और मुझे और क्या क्या करना है। इधर वाला जो कमरा होता है ये आजकल ना बेटी के पास होता है, क्योंकि वो बेटी पढ़ रही थी अभी इधर, तो इसी कमरे में वो बैठ के पढ़ती है। दूसरे कमरे में फिर उसको सारे तंग करते हैं, तो बस मैं थोड़ा बहुत घर का समेट के अभी फारिग थी। काम वाली के जाने के बाद मैं ख़ुद भी एक बार ना सारे घर में कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि फिर ये लोग सारे चल फिर रहे होते हैं। तो अभी अंदर लोगों का दिखा रही हूँ कि ये लोग बैठे क्या कर रहे हैं। औलाद मेरी जो है ना सारी अपने अपने मोर्चों पर बैठी हुई है। हाँ जी अंजल, क्या कर रहे हो? अंजल से अभी मैं पूछूंगी क्या कर रहे हो, इसने कहना मम्मी कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हो? सेटिंग कर रहा। किस चीज़ की सेटिंग कर रहे हैं? इंटरनेट। अच्छा, अंजल ना कल इस्लामाबाद गया हुआ था, तो इसकी खाला ने इसको ना लैपटॉप दे दिया, तो बस अब सुबह से उसी के ऊपर ही बैठा हुआ है। और अंजल, राफ़ी तुम क्या कर रहे हो? राफ़ी अपने फ़ोन पर लगा हुआ है। दिखाओ कौन सी गेम खेल रहे हो। क्या कौन सी? अच्छा हाय बोलो, उठो ज़रा, उठ के बैठो, हाय बोलो। फीडर निकालो मुँह से, खाली है फीडर, फीडर मम्मी को दे दो। चलो हाय बोलो। फाय नहीं, हाय। हाँ सलाम भी बोल दो। नहीं फीडर खाली है, फीडर क्या करना है तुमने? फीडर खाली है मैंने कहा, नहीं खाली फीडर नहीं लेना। जी जनाब, तो पहुँच गई मैं किचन में, जो कि मेरी रूटीन है। और आज मैं जो बनाने लगी, एक तो मैंने मटन जो है वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, बच्चे खा लेते हैं, लेकिन जरा बच्चे ग्रेवी खाते हैं, मटन या बीफ की जो बोटी फॉर्म में होते हैं ना वो नहीं खाते, कीमा खा लेते हैं, लेकिन उनके डैडी खाते हैं। मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी, ये लोग ग्रेवी के साथ खा लेंगे। इसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, ये इसमें प्याज लहसुन अदरक सारा कुछ डाल के ना, हरी मिर्चों का पेस्ट वगैरह डाल के मैंने इसको दही डाल के ना रख दिया है। तकरीबन इसको आधा पौना घंटा हो गया, तो अभी मैं इसको पानी डालूंगी जितनी मुझे और ज़रूरत होगी। पानी डाल के मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का वेट लगा लूँगी, जब तक कि ये गल नहीं जाए। और यहाँ मैं अपने लिए बनाऊँगी भिंडियाँ और कीमा, कि ये भिंडियाँ मैंने फ्राई करके रखी हुई थी फ्रीज़र में ना 2 दिन पहले, और ये कीमा भी मैंने भून के रखा है। तो ये प्याज वगैरह, क्योंकि इसमें जो है इतना कूटने वाला काम नहीं है कि लहसुन अदरक वगैरह कीमे में डला हुआ है, प्याज और टमाटर और डालूँगी, तो मैं इसको आज ये 2 हांडियाँ बनाऊँगी आज मैं। तो रोटियाँ भी बन गई हैं, मेरी आखिरी रोटी है, सालन भी दोनों बन गए थे। तो बस अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है आज भी, किचन में तो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जाता, इसलिए मैं रोटियाँ वगैरह इधर ही बनाती हूँ। ये गोश्त का सालन भी बन गया था, इसको भी मैं बॉल में निकाल लूँगी, और रोटी भी मेरी आखिरी है बस, रोटी भी टेढ़ी सी बन गई है। और ये भिंडियों का सालन है इधर, और ये सैलेड है जो भी घर में होता है, बस मैं उसका बना लेती हूँ ना। ये मैंने बंद गोभी का और टमाटर का बनाया है। ये दोपहर की तो जाहिर है यही रूटीन होती है, खाना वगैरह बनाना, चाय वगैरह हम जो है वो चाय दोपहर को नहीं पीते हैं, चाय शाम की रूटीन में आ जाती है, असर के बाद पीते हैं ना चाय। और वैसे भी इतनी गर्मी में नहीं पी जाती खाने के साथ चाय, वो पीते हैं सर्दियों में खाने के साथ हम लोग चाय बना लेते हैं खाना खाने के बाद। तो बस अभी मैं सालन डाल के ले जाऊँगी, क्योंकि इनके डैडी भी आगे हुए हैं। इतना घी डाला है, पता नहीं घी कहाँ पे है। चलो ये खा
खाना वगैरह खा लिए सबने, खाने से फारिग हो गए, बर्तन धोने वाले पड़े हैं, बर्तन धोऊंगी। और चाय जो है वो हम लोग गर्मियों में खाने के साथ बिल्कुल नहीं पीते हैं, और चाय का टाइम जो है हमारा वो असर के बाद का है, शाम को चाय पीते हैं, जाहिर है वो तो इवनिंग रूटीन में आ जाता है। अभी मैं बर्तन धोऊंगी जो कि मुझे धोने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धोती हूँ। और बस थोड़े से बर्तन क्योंकि हम लोग एक प्लेट में डालते हैं और खाना खा लेते हैं सारे, या बड़ी हद है दो प्लेटों में डालते हैं, अलग अलग हर बंदा अपनी प्लेट नहीं लेता है, इसलिए बर्तन इतने नहीं होते हैं। तो बस मैं अभी इनको वॉश करके रख दूँगी और किचन साफ़ कर दूँगी। चाय जो है वो शाम के टाइम बनेगी, तो इसमें मैंने भिंडियाँ बनाई थी, एक्स्ट्रा ऑयल अभी है इसका, तो वो भी मैं निकाल दूँगी। तो आप लोगों को कहूँगी मैं यहाँ पे अल्लाह हाफिज़। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।